अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलिएगा नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है शंकर माचे झाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दो प्याज के टुकड़े, कुछ अदरक और कुछ हरे मिर्च, मैंने यहाँ पर इसका पेस्ट बना लिया है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट मैंने नहीं तैयार किया है, थोड़ा सा उसमें खुदरापन मैंने रखा है। अब मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल से जो है कुकिंग करूँगी। तो पहले कुक करने के लिए मैं पहले फ़िश को फ्राई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं तेल को फैला रही हूँ जिससे कि फिश जब हम फ्राई करें तो ये कढ़ाई में चिपक ना जाए, इसलिए मैं इसे अच्छे से तेल को फैला ले रही हूँ पहले कढ़ाई में, उसके बाद हम फिश को फ्राई कर लेंगे। काफ़ी समय लोग ये पूछते हैं कि फ़िश में एक बैड स्मेल होता है, उसे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो आप जब फिश को मैरिनेट करते हो हल्दी और नमक के साथ तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस जो है वो भी ऐड कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है, फ़िश में जो एक बैड स्मेल होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप फ़िश को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हार्ड फ्राई नहीं करना है हमको, हम बस थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ इसमें बहुत ज़्यादा अगर हार्ड फ्राई करेंगे ना तो ये खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी ये फ़िश जो है इसे थोड़ा सा हल्का सा ही फ्राई करना होता है। तो हम इसको फ्राई कर लिए हैं। अब उसी तेल में, बहुत ज़्यादा तेल का हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपने सेहत का भी ख्याल रखना होगा, इसलिए हम इसमें उसी ऑयल में थोड़ा सा जीरा, और ये नया आलू है, अभी ठंडी का सीज़न है तो यहाँ पर थोड़े नए आलू का इस्तेमाल हम करेंगे। और ये नए आलू से ये जो रेसिपी है वो बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहाँ पर मैंने नए आलू का जो स्किन है वो बहुत पतला होता है, इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया है। धोते समय जितना स्किन इसका हट जाता है बस उतना ही, मैंने इसे अलग से नहीं छीला है आलू को। अब मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने आलू को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो हमने पहले से ऑलरेडी पीस के रखे हुए हैं। ये जो मसाला है इसे आप ना बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट मत कीजिएगा, ये अगर आप बहुत ज़्यादा फाइन कर लेते हो ना पेस्ट मिक्सर ग्राइंडर में तो ना ग्रेवी जो है वो अच्छा, इसका टेक्सचर जो है वो अच्छा नहीं आता है, इसलिए हम इसको ना थोड़ा सा खुदरापन इस मसाले में रखेंगे। तो हम पहले हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए इस मसाले को भून लेंगे, उसके बाद ना फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और ये पूरी रेसिपी जो है ये बिल्कुल लो फ्लेम में ही पकाइएगा जिससे कि स्वाद जो है वो बहुत अच्छा आएगा। इसे धीरे धीरे पकने दीजिएगा, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए अब अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच का नमक इस्तेमाल किया है अपने स्वाद अनुसार, आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने करीबन 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। हल्दी का जो है वो मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं कस्तूरी लाल मिर्च या फिर देगी मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करती हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर जो है हल्दी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर, जो तीखा वाला होता है वो लाल मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा मैं 1/2 टीस्पून बराबर मैं यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब करने के बाद यहाँ पर 1 मिनट के लिए जस्ट हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल लो फ्लेम में ही हम पकाएंगे, हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमको नहीं पकाना होगा, हम थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए हमने इस मसाले को अच्छे से फ्राई किए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है क्योंकि आपको याद रखना है ये हम ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, तो इसमें हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं जिससे कि मसाले जो है वो जल ना जाए, क्योंकि मसाला अगर जल गया तो कड़वा हो जाएगा ना खाने में, इसलिए हम थोड़ा सा पानी हम इसको ऐड कर रहे हैं जिससे कि मसाले जो है वो जले ना और ये अच्छे तरीके से पक भी सके। अब हम इसको थोड़ा सा मसालों के साथ अच्छे तरीके से फ़िश को मिक्स कर लेंगे। फ्राई किया हुआ फ़िश मैंने इसमें ऐड कर लिया है, करके अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अब हम इसको ढक देंगे। अब हम इसको ढक्कन लगा के एकदम 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम ढक के छोड़ देंगे, क्योंकि हमें आलू जो है वो ऐड किए हैं तो इसमें आलू अभी कच्चा है ना, तो जब तक आलू पक नहीं जाता है
तब तक हम इसको पकाएंगे। आप बीच में खोल के देख भी सकते हो, चेक कर सकते हो कि आलू गल गया है कि नहीं। अगर आपका आलू गल गया है और मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो मेरी ये रेसिपी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। ये आप चावल के साथ खाइए, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। आज की ये रेसिपी बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ फिर शेयर करूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।